गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स की इंग्लिश के सब्जेक्ट में, इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको आज इस वीडियो में द प्रोनाउन बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको द नाउन जेंडर बताया था, यानी कि लिंग, लिंग के भेद, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस तरह से बताए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको द प्रोनाउन सर्वनाम जो जिसको हम कहते हैं ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में और इसके काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, तो इन वाक्यों में आई और वी प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसकी आई की जगह हमने वी यूज़ कर लिया है, तो इन वाक्यों में जो होता है आई और वी दोनों क्या होते हैं, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम आई वी बोल सकते हैं और वी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि सर्वनाम के प्रकार। तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन्स व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन्स कहते हैं, जैसे आई वी यू ही सी दे एक्सेट्रा, ये पर्सनल प्रोनाउन्स होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार के आते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन्स। जब जो है इट, दे, देयर, देम का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण में दिख रहा होगा, एग्जांपल दिया है आई हैव सम बुक्स, दे आर फॉर पुअर स्टूडेंट्स। तो आई हैव सम बुक्स, तो बुक्स मेरे पास बहुत सारी, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो दे आर फॉर, यानी कि दे जो है ये बुक्स के लिए यूज़ हुआ है, तो इसे कहेंगे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, फिर आता है तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कुछ प्रोनाउन्स जो होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर बुक। तो इसमें जो यूअर और यूअर दिया गया है, ठीक है, ये यूअर दोनों एग्जांपल में यूज हुआ है, तो ये जो हैं प्रोनाउन है। ठीक है, फिर आता है चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी। ठीक है, तो यह प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है क्या, और जिससे दोनों वाक्य आपस में जुड़ जा रहे हैं, दिस इज़ द मैन हु, तो हु हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर जो ये है दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो प्रोनाउन है वो क्या है, मी है। ठीक है, या ठीक है, जिससे कि दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं। फिर पांचवा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउंस किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि दिस इज माई पेंसिल, दैट इज योर बुक। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं किसी नाउन की ओर संकेत है, जैसे कि ये मेरा है करें और ये तुम्हारी है, तो इससे पता लग रहा है कि इसमें जो है जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन की ओर संकेत कर रहे हैं करके। फिर आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। जो प्रोनाउंस किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं वे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल वर ड्रॉन्ड, सम आर बॉर्न ग्रेट, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग पैदा हुए हैं, उसने लिखा है सम। ठीक है, ऑल वर ड्रॉन्ड, ऑल मतलब सब, सभी डूब गए, तो सभी में किसी का नाम नहीं आया, कौन व्यक्ति थे, क्या थे करके, तो इस तरह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ यू कैन गो देयर, जैसे कुछ व्यक्तियों के लिए जो है या कुछ वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करें, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो ईच ऑफ यू कैन गो देयर, नाइदर ऑफ द थ्री पेंस इज गुड, यानी कि आप में से प्रत्येक लोग वहाँ जाइए, तो सभी के लिए, व्यक्तियों के लिए ये सारा हो रहा है, और वहाँ पर जो तीन पेन है उनमें कोई भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा गया है, तो जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, सभी का जो है इसमें के लिए इस प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जहाँ पर समान व्यवहार प्रकट होगा तो वहाँ पर जो है ये नाउन्स के लिए यूज होते हैं, और केवल दो ही होते हैं, जैसे कि दो ही ये जो है प्रोनाउंस हैं, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ये दो प्रोनाउंस होते हैं जो यूज़ होते हैं किसी वर्ड में जहाँ पर समान व्यवहार प्रकट होता है जिस शब्द में। ठीक है, तो वहाँ पर ये दो वर्ड यूज़ होंगे खाली, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारा। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह प्रोनाउन प्रकट करता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट, तो मैंने अपने आप को
ब्लैंकेट यानी कंबल से ढका, तो खुद के बारे में ही कह रहा है, तो कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है इसलिए, तो इसे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फिर आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये प्रोनाउन वर्ब के एक्शन पर एम्फेसिस बल देता है। जैसे आई माई सेल्फ क्लीन माई रूम, तो आई माई सेल्फ मैंने खुद अपना कमरा साफ किया, तो खुद के ही जो है एक्शन पर, जो हमने क्या किया अपना कमरा साफ किया, तो उसको जो एक्शन कर रहे हैं हम, एक्शन क्या है क्लीन करना रूम को, तो उसके बल दे रहा है, तो माई सेल्फ यानी कि मेरे द्वारा, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। फिर आया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जब वर्ड शब्द आकस्मिक हृदय भाव को प्रकट करे तो यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे व्हाट हैज़ ही डिसीव्ड यू, व्हाट यू डू नॉट नो गोपाल, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया, क्या तुम गोपाल को नहीं जानते हो, तो ये आकस्मिक जो है तरीके से निकलने वाला शब्द जो वर्ड है वो निकलता है और हृदय भाव को जो है प्रकट करता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो है इसकी एक्सरसाइज है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड, इसमें आएगा माई, ठीक है, यहाँ पे आप माई भरेंगे। फिर दूसरा वर्ड है रेस्पेक्ट देयर टीचर, तो दे नहीं आएगा, क्या आएगा, वी रेस्पेक्ट, सॉरी दे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, दे आएगा यहाँ पे, दे रेस्पेक्ट देयर टीचर। फिर आएगा ही टीच यंगर सिस्टर, तो यहाँ पे आएगा ही टीच हर यंगर, यहाँ पे आ जाएगा हर। ठीक है, फिर अगला है पॉलिश्ड हिज शूज, तो हिज कह रहा है, तो हिज का ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला है आई हैव अ डॉग, आई कॉल इट टाइगर या हर टाइगर, आई कॉल इट टाइगर। ठीक है, फिर अगला है इज योर पेन, तो हु इज योर पेन नहीं आएगा, क्या आएगा, विच इज योर पेन, WHICH, विच इज योर पेन आएगा। फिर अगला वर्ड हैज डन इट, तो हुज डन इट, तो इसमें हुज आएगा यहाँ पे। फिर अगला वर्ड है इज माई बुक, तो दीज माई बुक, दीज इज माई बुक नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस इज माई बुक। फिर अगला सेंटेंस है द बॉय, स्पेस दिया गया, वॉन द मैच इज माई फ्रेंड, द बॉय हु वॉन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हु। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द मैन, फिर स्पेस दिया गया, वाइफ हैज डाइड, दिस इज द मैन हुज वाइफ हैज डाइड। ठीक है, यहाँ पर जाएगा हुज वाइफ हैज डाइड। ब्रश माई टीथ एवरी डे, स्पेस दिया तो ही, सॉरी आई आएगा इसमें, क्योंकि माई दिया गया, तो माई का जो है रिलेटिव क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर आएगा आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। फिर है ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल हु ग्लिटर्स नहीं आएगा, ऑल दैट, इसमें दैट आएगा। फिर नेक्स्ट है सेंटेंस राधा एंड सीता हेल्प ईच अदर, ठीक है, यहाँ आएगा यहाँ पे ईच अदर। फिर अगला सेंटेंस है ही कवर्ड विथ अ स्टोन सीट, तो ही कवर्ड हिमसेल्फ आएगा, हर सेल्फ लड़की के लिए यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हिमसेल्फ। फिर नेक्स्ट है सी वॉशेज हर क्लोथ्स, तो सी हर सेल्फ वॉशेज हर क्लोथ्स आएगा इसमें। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस है आई डू हिज वर्क नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ फिर माई यूज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माई। फिर नेक्स्ट है ही इज अ थीप, व्हाट ही इज अ थीप, हाउ, इसमें क्या आएगा, व्हाट, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है इसमें, तो यहाँ पर जाएगा व्हाट। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी ये चिन्ह भी लगेगा यहाँ पर। इज नॉकिंग एट द डोर, स्पेस दिया गया, तो ऑल नहीं आएगा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पर आ जाएगा समवन। ठीक है, तो इस तरह से आप भी इसको अपनी फेयर कॉपी पे जो है कर लीजिएगा अपनी बुक से, या जैसे मैंने बताया आपको, ये मैं इसकी इमेज भेज दूंगा, यहाँ से आप इसको अपनी फेयर कॉपी ग्रामर की पहले उनको कीजिएगा, ग्रामर की नहीं सॉरी प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के पार्ट्स, और उसके बाद ही प्रोनाउन से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ एक टेबल भी है इसमें, ये टेबल भी मैं आपको भेज दूंगा, इस टेबल को आप याद करना, जिससे कि आपको जो है पता लग जाए कि जो पर्सन होते हैं उनके लिए किस प्रकार से जो है वो यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल, सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी, तो आई के साथ हम ऑब्जेक्टिव मी यूज़ करते हैं, और पॉसेसिव में
अपने की अंग्रेजी के लिए माई या माई यूज़ करते हैं, ठीक है, और पॉसेसिव टू में माइन आता है। वैसे वी जो प्लूरल होता है फर्स्ट 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 पर्सन के लिए, उसमें अस यूज़ होगा और आवर यूज़ होगा अपने की अंग्रेजी बनाने के लिए, आवर्स बहुत सारों के लिए, ठीक है। सेकंड पर्सन के लिए जैसे सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर जैसे यू प्लूरल होता है तो यू यू यूअर यूअर्स हो जाएगा। वैसे ही के लिए ही हिम हिज और हिज आएगा। सी के लिए जो है सिंगुलर होता है तो सी हर हर और हर्स आ जाएगा इसमें, ये पॉसेसिव टू में। फिर इट के लिए, इट के लिए इट इट इट्स आएगा, ठीक है, पॉसेसिव में, और पॉसेसिव टू के लिए भी इट्स आएगा। और प्लूरल के लिए दे है जैसे, तो दे के लिए दे देम देयर देयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी भी मैं इमेज भेज दूँगा, इसके भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है।